अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? वालेकुम सर। अच्छा, आई एम अ कंपल्सिव उर्दू स्पीकर। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे दिल की जो आवाज है और जो मैंने सब समझा है उसको अगर आप तक पहुंचा सकूं तो लेट मी स्पीक इन उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि एक सिर्फ एक एकेडमिक एक स्पीच अगर हो तो वो ठीक है, उस तरह कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पाक अफगान अगर रिलेशंस को देखा जाए तो जिस तरह से हमेशा से एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, जिस तरह से एक मिसट्रस्ट की जो एक फीलिंग रही है, उसके लिए एक इंतहाई खुशाइंद एक एक कदम है जो कि पाक अफगान यूथ फोरम ने ये उठाया। अच्छा, अब देखें, आप अपने पेरेंट्स को नहीं चुन सकते। जो अल्लाह ने आपको दिए हैं वही हैं आपके अम्मी अबू, जो आपके बहन भाई हैं, जो आपकी फैमिली है वही है। इसी तरह से जो आपके नेबर्स हैं वो भी वही हैं जो आपके पास हैं। तो आप बजाय इसके कि अपने नेबर्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपनी फैमिली को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे और उस मिसट्रस्ट के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा आप उसमें नाकाम होंगे। तो अब जिस तरह जो अभी आज पहला मेरा इंटरेक्शन आपके साथ है, इससे पहले बस मुझे थोड़ी बहुत एक इन्फॉर्मेशन सलमान के थ्रू और आपके जो यूथ फोरम के सारे एक्टिविस्ट हैं इनके थ्रू मिलती रहती थी और मैंने इनको ये कंप्लीट एक यकीन दहानी कराई थी कि जहां पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत है हम आपके लिए हमेशा यहाँ पे हाजिर हैं। इसमें जो इसका स्कोप बताया गया जो कि एक हिस्ट्री के साथ, पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ और जिस तरह से आगे, सिर्फ इतना ही नहीं कि जो इश्यूज हैं बल्कि हमने आगे बढ़ना कैसे है, वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से एंगेज करना है यूथ को, किस तरह से आर्ट कल्चर अपने एजुकेशन और जो भी ऐसे कॉमन ग्राउंड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उनको हमने कैसे आगे लेके चलना है, वो फिलहाल देखने में तो बहुत खूबसूरत, बहुत आइडियल और उस तरह से लग रहा है। अल्लाह करे कि हम उन सब में, सब इनिशिएटिव्स लेने में कामयाब भी हो सकें। अभी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें मुझे बात लगी वो ये थी कि मीडिया की जो परसेप्शन है वो जो अब तक थी वो बिल्कुल फर्क थी, और उसके अलावा लेकिन जब हम किसी अफगानी से मिलते हैं, मैं कभी भी किसी भी तकरीब में किसी भी जगह गई हूँ, बाहर गई हूँ, तो वहां पे कभी भी अफगान और पाकिस्तानी जब मिलते हैं तो उनके अंदर एक 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 फौरन एक इंस्टेंट एक उनसियत और एक अफेक्शन और उस तरह की एक मोहब्बत वो एक नजर आती है। कभी भी कोई एक राइवलरी या ये नहीं कि ये कोई दो दुश्मन है, दो कोई मुतहारब ग्रुप है जो आपस में मिल रहे हैं, ऐसे कभी नहीं होता। तो जो एक मीडिया ने एक चीज दी है और जो एक असल में जो लोगों के दिलों के अंदर एक है वो बड़ी फर्क है। तो हमने उन लोगों के अंदर जो ये प्यार है और एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है और जो एक दूसरे की सपोर्ट है, हमने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में रहते हुए मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह जहां पे भी आपको जरूरत हो, जहां पे भी हम एक इन दो ममालिक की यूथ को के गैप्स को ब्रिज करने के लिए हम कुछ भी कर सकें वो हम जरूर इंशाल्लाह इनिशिएटिव्स लेंगे। और साथ और कल्चर हेरिटेज और उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एक बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कॉमन है, हीरोज हैं बहुत सारे हमारे कॉमन हैं, हम उन हीरोज में प्राइड लेते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के उन हीरोज में प्राइड लेते हैं। तो इन गैप्स को ब्रिज करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जहाँ जहाँ सपोर्ट की जरूरत है वो भी आपको होगी, और इंडिविजुअली भी मैं क्योंकि बिलीव करती हूँ इसमें, इंशाल्लाह आपके साथ हूँ हमेशा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।